जय गणेशाय नमः, जय माँ सरस्वती, जय माँ बंगलामुखी। डेसिमल पार्ट 3 क्लास 6 और क्लास 7 वालों के लिए, अपने यहाँ के यदि कोई छोटा भाई बहन अगल बगल दूर दराज होगा तो 5 वाला के लिए भी, ठीक है। डेसिमल क्या पार्ट पढ़ना हमको आज, तीसरा पार्ट, यानी हम लोगों के लिए क्या हुआ, तीसरा चैप्टर हो गया। पहला और दूसरा में चार पांच क्वेश्चन करके दिए थे, बना लिए, नहीं बनाए हैं तो उसको फिर एक बार बना लीजिए, नहीं बनता है तो घर में अगल बगल मम्मी पापा सर जी भैया दीदी मामा मामी जिनसे पूछना है उनसे पूछ लीजिए, ठीक है। डरिए नहीं, समझिए, ज़्यादा डरिएगा तो काम और ख़राब हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं आज डेसिमल पार्ट 3 में, इसमें मेरा पॉइंट है आज यूज, डेसिमल का क्या यूज है। आप भी सवेरे से शाम तक खूब यूज कर रहे हैं, ठीक है, सवेरे से शाम तक आप बहुत यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि कहाँ आप यूज कर रहे हैं कहाँ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और मैथ में तो इसके बिना है नहीं, ठीक है। जैसे रुपया पैसा का बात हो, चाहे लेंथ का बात हो, चाहे मास का बात हो, टाइम का बात हो, कैपेसिटी का बात हो, हर में डेसिमल का यूज होता है, पता है। इसलिए आज मेरा पॉइंट है क्या, यूज ऑफ डेसिमल, समझ गए, यूज ऑफ डेसिमल। जय गणेशाय, जय माँ सरस्वती, जय माँ बंगला। डेसिमल पार्ट 3 इसके लिए, 6 वाला के लिए और 7 वाला के लिए, 6 और 7 वाला के लिए डेसिमल पार्ट 3। क्या है यूज, यूज ऑफ डेसिमल। जैसे आप जानते हैं कि 1 रुपया में कितना पैसा होता है, 1 रुपया में 100 पैसा होता है, ये बात तो आप जानते हैं। तो 1 रुपी इज इक्वल टू कितना, 100 पैसा, नहीं तो इसको ये भी तो आप लिख सकते हैं कि 100 पैसा इज इक्वल टू कितना, 1 रुपी। तो 1 पैसा बराबर कितना, 1/100, नहीं लिख सकते हैं, 1 पैसा बराबर कितना, 1/100 रुपीज। तो 1/100 जो आप लिख रहे हैं ये कितना के बराबर होगा, 0.01 नहीं होगा, यानी पैसा में तो आप लिखते हैं 1 पैसा, और रुपीज में क्या लिखेंगे, रुपीज 0.01 नहीं लिखेगा, अंतर है कि नहीं। मान लीजिए आपको 50 पैसा लिखना हो, 50 पैसा पहले छोड़िए, 5 पैसा लिखना हो, ठीक है, 5 पैसा के लिए, 5 पैसा के लिए आप क्या लिखिएगा, 5 पैसा का मतलब क्या, 500, 5 पैसा का मतलब क्या, 500, 500 नहीं हुआ, क्यों 100, क्यों 100, क्योंकि यह पैसा है, आप पैसा को किस में चेंज करना है, रुपी में चेंज करना है, और 1 रुपी चल कितना था, 100 पैसा, इसलिए 500 क्या लिखेगा, 5/100 नहीं, इसलिए हो गया ये 0.05, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 50 पैसा पर, 50 पैसे, 50 पैसे
यानी क्या 50 hundreds, नहीं इसका मतलब हो गया 50 hundreds, यानी क्या 50 by 100, वन बाय टू, यानी क्या 0.5। अब 50 paisa के लिए कोई यदि 0.05 लिख देगा वो सही है नहीं है? अब 5 paisa के लिए यदि कोई लिख देगा 0.5, ये सही है नहीं सही है? अब समझ गए क्या यूज है? थोड़ा भी उल्टा पुल्टा हो जाएगा, हाय तो पॉइंट कहने के लिए क्या है पॉइंट, ठीक है? कितना महत्व है इसका, जैसे पॉइंट का कितना महत्व है तुम देखो। मान लो तुमको कोई इतना रुपया देता है, कितना रुपया देता है 1, 2, 3, 4 rupees, ठीक है? ठीक, खुश 1234। कोई आएगा बीच में यहाँ पर एक पॉइंट डाल देगा, अभी क्या हो गया 12 rupees 34 paisa। नहीं, जिसको पॉइंट पता नहीं है, डेसिमल पता नहीं है, इसका अर्थ पता नहीं है, मीनिंग पता नहीं है, वो तो समझेगा 1234, 1234 का बात करेगा नहीं करेगा? तुम तो समझता है, तुम समझदार है, ठीक। चलो इसको लिखना है तो लिखो, हम आगे पॉइंट पर आए। चलिए आगे बढ़ा जाए। आ गया जी कपड़ा जी, चलिए अब मेरा फॉर्म है कि तो रुपया पैसा का बात होगा, क्या कहेगा सिर्फ रुपया पैसा का बात हो रहा है ना, अब आ जाओ लेंथ पर, ठीक है? किस पर आ जाएगा लेंथ पर। ठीक, लेंथ में क्या सब है, मीटर नहीं किलोमीटर, सबसे छोटा मिलीमीटर, उससे भी छोटा होता है, ठीक है? उससे भी छोटा होता है नैनो पिको, वो सब बाद में पढ़ेगा धीरे धीरे, अभी तो बच्चा है। मिलीमीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर, मिली सेंटी डेसी, मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर नहीं होता है, अच्छा, या इसको लीटर में कर देगा जब कैपेसिटी वाला बात होगा तो लीटर में, जब वेट वाला बात होगा तो ग्राम में, सब में चेंज होगा। ठीक, अब लेंथ में हम मान लेते हैं सबसे सिंपल, मान लो कि 1 meter इज इक्वल टू 100 centimeter, होता है पता है? यानी 100 centimeter इज इक्वल टू 1 meter, यानी 1 centimeter इज इक्वल टू 1/100 meter, यानी सेंटीमीटर को मीटर में हम लोग चेंज किए क्या लिखे 1/100, यानी क्या 1/100, इसका मतलब हुआ 1/100, HUNDREDTHS नहीं हो गया, डेसिमल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 0.01 लिखेंगे। उसी प्रकार से 5 centimeter को यदि हमको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे 0.05। 25 centimeter को हमको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे 0.25। हमको 50 centimeter को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे 0.50। क्या मीटर, ये सब क्या मीटर, अब इस किस में हो गया मीटर में 0.05 meter।
0.50 मीटर, समझ गया, मीटर वाला भी। उसी प्रकार से आप किलोमीटर में भी कर सकते हैं, ठीक। जैसे इसको साफ करना होगा, वन किलोमीटर इज इक्वल टू कितना, 1000 मीटर, ठीक। यानी 1000 मीटर इज इक्वल टू कितना, 1 किलोमीटर। यानी 1 मीटर इज इक्वल टू कितना, 1/1000 किलोमीटर। यानी 1 मीटर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1000 TOUSANDTHS किलोमीटर लिखेंगे। इसी को हम लोग डेसिमल में लेंगे तो क्या लिखेंगे, 0.001 किलोमीटर। हमको मान लो कि 7 मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, 0.007 किलोमीटर। नहीं, हमको करना है 50 मीटर को चेंज, क्या लिखेंगे, 0.050 किलोमीटर। हमको 500 मीटर को चेंज करना है, क्या लिखेंगे, 0.500 किलोमीटर। कितना महत्व है, देख रहा है कितना यूज है, समझ गया। चलो लिखना है तो लिखो, नहीं तो हम तो फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक। अगला पॉइंट हमारा है, मनी वाला बात हो गया, लेंथ वाला बात हो गया, अब हम कर लेते हैं एक वेट वाला। अब तो वेट वाला कर सकता है आराम से, वैसा ही ना वेट वाला भी, कैपेसिटी वाला, ठीक है, लीटर मिलीलीटर वो भी सेम, सब इसी पर आ जाएगा। चलिए अब हम आ जाते हैं, आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं जिसको आप बनाइएगा, आज टाइम है, ठीक है, आज ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेगा बनाने को, ठीक है। मैथ क्या बताए थे शुरू में, दो ही चीज़, थ्योरी फॉर्मूला नहीं बताए थे, तराजू दे करके, तराजू का फिगर देके बताए थे ना, तराजू का फिगर देके यही ना है मैथ। हम लोग क्या है, ये है बस, बस यही है, खाली आपको गाइड करेंगे कि ऐसे ऐसे करो, करेगा तुम बनेगा तुम, समझ गया, नहीं करेगा तुम रोड पर घूमेगा तुम। इसमें क्या करना हमको, हमको उसके बारे में पूरा पूरी थ्योरी चाहिए, और क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए एक तरफ 50%, और जैसे हम थ्योरी बताया अभी, फॉर्मूला बता दिया अभी, अब का जो काम है वो तुम्हारा काम है 100%, क्या, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस तुमको करना होगा, आई दोनों बैलेंस रहना चाहिए, समझ गया। जितना तुम्हारे पास ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी और फॉर्मूला रहेगा, उतना ही मज़ा से तुम क्या करेगा, प्रैक्टिस करेगा, तुम इससे दूर नहीं भागेगा। मैथ ऐसा भूत है, उससे तुम जितना दूरी जाएगा वो तुमसे डबल दूरी लेकर भाग जाएगा, समझ गया। तुम 2 मीटर भागेगा तो तुमसे 4 मीटर भाग जाएगा दूर, और तुम जितना सटेगा उतना तुम्हारे पास आएगा, ठीक। चलिए अब मेरा क्या काम है, क्वेश्चन देना, यानी आपको प्रॉब्लम देना, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके बाहर निकल जाना है, ये ना काम है। चलिए चलिए तैयार हो जाइए, कॉपी किताब लेके, कॉपी और कलम लेके तैयार हो जाइए, ठीक है। क्वेश्चन हम देना शुरू करें, क्या नाम रखें इसका, प्रॉब्लम्स फॉर मी, क्या, प्रॉब्लम्स फॉर मी, ठीक। चलिए अभी टाइम है, आज पूरा क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा है, आज तो अच्छा से दिखाई दे रहा है जी। राइट द फॉलोइंग अमाउंट्स इन रुपीज, चलो
यूजिंग डेसिमल्स ठीक है लिख लिया। चलो देखो पहला ए पी, पी हम लिखते हैं सिर्फ, माने क्या पैसा 23p सेवन रुपी 63p 108 रुपी ठीक है 75p पांचवा 2 रुपी 25p हो गया, पांच दे दिए। क्वेश्चन नंबर टू एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर्स cm लिख देते हैं क्या, एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर्स यूजिंग डेसिमल्स ठीक। फर्स्ट 7mm उसके बाद 17mm उसके बाद 225mm ठीक है, एक और लिख लो 2475mm 2475mm ठीक है, इसमें चार रहने दो। क्वेश्चन नंबर थ्री यूजिंग डेसिमल नोटेशन एक्सप्रेस फर्स्ट 6 meter 15 centimeter इन मीटर्स, सेकेंड 12 kilometer 300 meter इन किलोमीटर, थर्ड 8-4 centimeter इन किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर फोर एक्सप्रेस एज किलोग्राम इन डेसिमल फॉर्म, पहला 750 ग्राम 2225 ग्राम थर्ड 125 किलोग्राम और 8 ग्राम। चलो क्वेश्चन नंबर फाइव एक्सप्रेस यूजिंग डेसिमल क्या 5 milliliter as liters और दूसरा 327 milliliter as liters ठीक है, छोटा बड़ा है तो इसको पूरा करो क्योंकि हमको साफ करना है, तब क्वेश्चन और देना है एक दो ठीक।
हो गया। चलो हम मिटाते हैं, तुम लोग तो लिख लिया होगा, काहे टाइम बर्बाद किया जाए। एक दो क्वेश्चन और दे देते हैं। कितना क्वेश्चन हुआ था? 4, 5 कितना क्वेश्चन हुआ था? 5 दो क्वेश्चन और देना, ठीक, मात्र दो क्वेश्चन देना। लिखो क्वेश्चन नंबर 6। ए स्पेस बॉल मिलीग्राम ए गोल्फ बॉल वेट 45 ग्राम, ए बास्केट बॉल वेट 9 by 20 of a kg. Arrange the names of the sports in order of weight. Ball from the heaviest to lowest, heaviest से lowest आपको sports का नाम लिखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट है आपका। लिखे इफ 47.256 इज इक्वल टू 4a+7b+2c+5d+6e, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5a+4c+7e by d। हो गया, बस इतना है, 7 क्वेश्चन मात्र बनाना है, ठीक है। 3 पार्ट हो गया, अब चौथा पार्ट में हम लोग जाएंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। देखिए कहने के लिए डेसिमल है, पॉइंट है, 3 पार्ट हो गया, कम से कम 7 पार्ट और जाएगा। चलिए, जय माँ बंगलामुखी।